नंबर चार, तौहीद जहन्नम से नजात का जरिया है। अगर आदमी जहन्नम से बचना चाहता है तो उसके लिए तौहीद ज़रूरी है। गुनाहों की वजह से जहन्नम में जाए भी तब भी निकलने के लिए उसके पास तौहीद होना चाहिए। तौहीद नहीं, जहन्नम में हमेशा रहेगा। तौहीद है, गुनाह भी हैं, गुनाह की वजह से गया भी तौहीद की वजह से बाहर आएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, युअज़्ज़बु नासु मिन अहलि तौहीद फिन्नार, बाज़ अहले तौहीद जहन्नम की आग में अजाब दिए जाएंगे। क्यों, किस वजह से? गुनाहों की वजह से। हत्ता यकूनु फीहा हुममन, यहाँ तक कि वो जहन्नम में जल के कोयला हो जाएंगे। सुम्मा तुद्रिकुहुमुर रहमा फयुखरजून, फिर उन्हें अल्लाह की रहमत पाएगी, अल्लाह की रहमत नसीब होगी। तो क्या होगा? फयुखरजून, वह जहन्नम से निकाले जाएंगे। किस वजह से निकाले जाएंगे? उनकी तौहीद की वजह से। तो इस हदीस से बात मालूम होती है कि अगर तौहीद वाला जहन्नम में चला भी जाए तो तौहीद की वजह से जहन्नम से निकाला जाएगा। और रुबमा यवद्दुल लदीन कफरू लौकानु मुस्लिमीन, एक वक्त आएगा कि मुशरिकीन, कुफ्र करने वाले, इस बात की तमन्ना करेंगे कि काश हम मुसलमान होते हैं। इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बतलाया कि एक वक्त आएगा वो तमन्ना करे काश हम मुसलमान होते हैं। इसके बारे में इब्न अबी आसिम की एक रिवायत है हदीस में, हदीस की किताबों में, अस-सुन्नाह में उन्होंने उसको रिवायत किया है कि लात और उज़्ज़ा की इबादत करने वाले ईमान वालों से, तौहीद वालों से उनको ताना देंगे जहन्नम में, कहेंगे तुम्हारे ला इलाहा इल्लल्लाह का क्या फ़ायदा हुआ तुमको, हमारे साथ तुम भी तो जहन्नम में आ गए, तौहीद वाले थे तुम भी जहन्नम में आ गए, ताना देंगे उनको। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये बात अल्लाह ताला को इस बात पर बहुत गुस्सा आएगा, मेरे तौहीद वाले बंदे उनको ताना दे रहे तौहीद की वजह से, गोया कि ये न सिर्फ उनकी तहकीर है बल्कि तौहीद की भी तहकीर है। क्या काम है ये तौहीद, यानी तौहीद काम नहीं आती? अल्लाह ताला उनके इस ताना देने की वजह से उन नेक ईमान वाले बंदों को जो कि गुनाहगार थे उनको जहन्नम से निकाल देगा। सारे तौहीद वालों को जहन्नम से निकाल के जन्नत में डाला जाएगा। अब जब वो लोग देखेंगे कि तौहीद की बुनियाद पर इनको निकाला गया है, कहेंगे काश हमारे पास भी ये कलिमा होता कि आज हम जहन्नम से निकाले जाते हैं। लेकिन उनके पास वो कलिमा नहीं है, इसलिए वो हमेशा जहन्नम में पड़े रहेंगे। तो इस हदीस से भी ये बात मालूम होती है कि अहले तौहीद को उनकी तौहीद की बुनियाद पर जहन्नम से निकाला जाएगा। लिहाजा ये बहुत अहम कलिमा है और ये बहुत अहम अकीदा है।